हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल पर। अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सारा देना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का ओल्ड चैप्टर है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर वेजिटो एंड जिरिन के फाइट का हुआ क्या। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम जिरिन को देखते हैं। जिरिन बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है एंड वहीं पर वेजिटो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिरिन के ऊपर एंड वेजिटो बोलता है कि जिरिन। इसके बाद हम वेजिटो का चेहरा देखते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों पंचेस के वजह से जो वेजिटो को जिरिन ने मारे थे उसके वजह से वेजिटो का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा होता है एंड वेजिटो के चेहरे से खून निकल रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि बहुत अच्छे जिरिन, तुमसे पहले मैंने काफ़ी सारे एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना किया था, पर वो लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लोग मुझे छू भी सके एंड ना ही वो लोग इतने काबिल थे कि वो लोग मुझे एक पंच भी मार सके। पर तुम्हारे हाथों से पंचेस खा के मुझे ये तो पता चल गया कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो मेरे पुराने दोस्त। इसके बाद हम जिरिन को देखते हैं। हम देखते हैं कि जिरिन अभी भी शांत खड़ा हुआ होता है एंड जिरिन कुछ भी नहीं बोलता। तभी हम देखते हैं कि जिरिन के पीछे एकदम से टोपो आ जाता है एंड टोपो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए जिरिन, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। पर जिरिन, क्या तुम उसके साथ अकेले लड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी पावर की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये फाइट तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है जिरिन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करूँ अल्ट्रा वेजिटो के साथ एंड जिरिन, ये मत भूलना कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हूँ। इसके बाद हम जिरिन को देखते हैं एंड जिरिन बोलता है कि नहीं, ये बैटल मेरी है, सन गोकू मेरा राइवल है, जिसके वजह से मैं अकेले इस फाइट को करना चाहता हूँ। अगर लड़ाई के एंड में मेरी मौत हो जाती है तो तुम इस फाइट को ज्वाइन कर सकते हो, पर जब तक वो दिन नहीं आता तब तक के लिए तुम बैठे रहो एंड मुकाबला देखते रहो एंड जैसे ही टोपो ये सब चीज़ सुनता है जिरिन के मुँह से, वैसे ही टोपो टेलीपोर्ट कर लेता है। और टोपो जाते जाते जिरिन से ये बोलकर जा रहा होता है कि मुझे पता नहीं आखिर मैं तुमसे पूछता ही क्यों हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी जिरिन, बस तुम मरना मत। एंड तभी हम देखते हैं कि टोपो एकदम से चला जाता है। इसके बाद हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो धीरे धीरे जिरिन की तरफ जा रहा होता है एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एंड जिरिन आमने सामने होते हैं। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो अपने मुंह से निकले हुए खून को साफ कर रहा होता है एंड वेजिटो बोलता है कि तुम काफ़ी सालों से ट्रेनिंग कर रहे हो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्या मैंने सही कहा जिरिन? पर तुम मुझे कहो या ना कहो, मैं इस चीज़ को तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। वैसे वक्त ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा कर दिया है मेरे पुराने दोस्त, पहले के मुकाबले तुम्हारी उम्र अभी काफ़ी ज़्यादा लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एंड जिरिन के आसपास एक स्ट्रेंज ऑरा आने लग जाता है एंड ये स्ट्रेंज ऑरा दोनों की बॉडी को चारों तरफ से घेर रहा होता है। जहाँ पर जिरिन के बॉडी के अंदर से ब्राइट वाइट एनर्जी निकल रही होती है, वहीं पर अल्ट्रा वेजिटो के अंदर से डार्क ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। इसके बाद वेजिटो जिरिन से बोलता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोर को मारने के लिए, पर मैंने नहीं सोचा था कि बेलमोर को मारने के चक्कर में मेरी तुम्हारे से मुलाकात हो जाएगी। पर अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़े मज़े कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जिरिन अपने जैकेट के ऊपर हाथ देता है एंड जिरिन अपने जैकेट को उतार के फेंक देता है। जिरिन को हम अपने ओरिजिनल आउटफिट में देखते हैं जो कि है प्राइड टूपर का आउटफिट। पर जैसे ही वो जैकेट ज़मीन पर गिरता है एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि जिस जगह पर ये जैकेट गिरा है उस जगह पर एक छोटा बॉम्ब फूटा है एंड ये चीज़ पिकोलो एंड पाइकॉन से भी एक लेवल ऊपर पर गई रहती है, जिसे देखकर अल्ट्रा वेजिटो की सारी आंखें बाहर आ जाती है एंड वेजिटो बोलता है कि तुमने पूरे वक्त इसी को पहन रखा था, मैं सही कह रहा हूँ जिरिन? मुझे पता है कि थोड़ा सा बिल्डअप देने के लिए ARJ ने ऐसा किया ताकि वो अपने सब्सक्राइबर्स को इम्प्रेस कर सके, पर तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो गया? वैसे भी ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है क्योंकि जिरिन वहाँ से गायब हो जाता है एंड वेजिटो के पीछे आ जाता है जिरिन, जिसे वेजिटो भी महसूस कर लेता है एंड वेजिटो बोलता है कि क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो पीछे पलट कर देखता है एंड अल्ट्रा वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड इससे पहले कभी भी इतनी तेज़ नहीं थी, क्या ये सच में जिरिन ही है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो को एक ज़बरदस्त पंच लगता है फिर से
जिसके वजह से वेजिटो के मुंह से फिर से खून निकल रहा होता है। एंड जैसे ये पंच अल्ट्रा वेजिटो को लगता है, वैसे ही हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो फिर से काफ़ी सारे बिल्डिंग से जाकर टकराता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये शख्स, ये तो बिल्कुल ही फ्रीजा की तरह है, इसकी ताकत पहले के मुकाबले 10 गुना बढ़ चुकी है, और अभी तक मैंने जितने भी गॉड्स का सामना किया ये उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। और मेरे लिए सबसे बुरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जिरिन ने अभी तक कोशिश करने की शुरुआत भी नहीं की है। एंड जिरिन अभी तक ट्राई भी नहीं कर रहा है मुझे हराने की। एंड जिरिन बोलता है कि तुम बिल्कुल सन गोकू की तरह हो, वो भी अपना गार्ड डाउन कर देता था, और गॉड किलर तुम्हें देखकर के पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि तुमने गॉड्स को मारा और साथ ही में एंजल्स को भी। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना पावर अप करने लग जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो सुपर सेन 2 फॉर्म में चला जाता है। एंड इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया था अल्ट्रा वेजिटो ने क्यूटेला को हराने के लिए भी। एंड सुपर सेन 2 फॉर्म में जाने के वजह से अल्ट्रा वेजिटो के चारों तरफ ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी तेज़ी से जिरिन की तरफ जा रहा होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि पावर, मैं तुम्हें वही पावर दिखाऊंगा जिसकी मदद से मैंने क्यूटेला को हराया था। एंड इसी पावर की मदद से मैं तुम्हें भी हराऊंगा जिरिन, अपने आप को तैयार कर लो जिरिन। इसके बाद हम जिरिन को देखते हैं। जिरिन बोलता है कि तुम तो बिल्कुल सन गोकू की तरह ही हो, तुम भी उसी की तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो एंड अपने वीकर्स फॉर्म का इस्तेमाल पहले करते हो। इतने में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो जिरिन तक पहुंच जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि चुप हो जाओ, मैं ना ही तो गोकू हूँ ना ही तो वेजिटा हूँ, मैं वेजिटो हूँ। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का पंच लग जाता है जिरिन को, पर जिरिन को ये अटैक लगने के बावजूद जिरिन को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड जिरिन थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर अल्ट्रा वेजिटो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि ये बुरा भी नहीं था जिरिन, अगर तुम्हारे और मेरे पावर लेवल के बीच इतना ज़्यादा गैप है तो इस पावर लेवल के गैप को भरने के लिए मैं कोई दूसरी ट्रिक का इस्तेमाल करूँगा। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करने वाला होता है फाइट में। एंड अल्ट्रा वेजिटो के लेफ्ट हैंड में ही एनर्जी अब्जॉर्बर मशीन है। एंड वेजिटो को लग रहा होता है कि जिस तरीके से उसने क्यूटेला को हराया उसी तरीके से वो जिरिन को भी हरा देगा। एंड वेजिटो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितना ज़्यादा ट्रेनिंग करते हो, डॉक्टर क्यूरो के ये डिवाइस से कोई भी बच नहीं सकता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो अपना लेफ्ट हैंड आगे लाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का अटैक मिस हो जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो का लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से नहीं पहुँचता जिरिन के चेहरे तक। इसके बाद हम जिरिन की आंखों को देखते हैं। हम देखते हैं कि जिरिन की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है, पर आप सभी को पता है कि जब जिरिन की आंखें ऐसी हो जाती है तब जिरिन कौन सा अटैक करता है। एंड जिरिन अपने इनविजिबल अटैक पे बौछार कर देता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर, जिस तरीके से उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू के साथ किया था, जिसके वजह से वेजिटो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा होता। एंड जैसे ही वेजिटो को ये अटैक्स लगने लग जाते हैं, वेजिटो बोलता है कि धत तेरी की, मैं भूल गया था, मैं उसके इस अजीब से टेक्निक के बारे में पूरी तरीके से भूल चुका था। एंड अकेले जिरिन के की वजह से ही अल्ट्रा वेजिटो आसमान की तरफ जाने लग जाता है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने आप को संभालता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि इसके एनर्जी बैरियर की वजह से मैं इसकी एनर्जी को नहीं ले सकता, पर मेरे जैसे वॉरियर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है, पर अगर मैं पावर अप करता हूँ तो मेरे जैसे वॉरियर के लिए ये काफ़ी शर्म की बात है। मैं नहीं चाहता कि इसको हराने के लिए मैं अपना पूरा कोशिश करूँ, और अगर मैंने इसको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो ग्रैंड प्रिस्ट एंड ग्रैंड जेनो के सामने मैं क्या ही कर लूँगा, उनके सामने तो मेरा कोई चांस ही नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि मुझे इस बैटल को ब्लू के साथ ख़त्म कर देना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से सुपर सैन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। एंड पूरी स्टोरी में पहली बार ही अल्ट्रा वेजिटो सुपर सैन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है। एंड जैसे ही वेजिटो का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कम्प्लीट हो जाता है, वैसे ही हम देखते हैं कि चारों तरफ से बिजली कड़कने लग जाती है। एंड वेजिटो बोलता है कि जिरिन, तुम सच में कुछ हो, अभी तक मुझे इस मिशन में गॉड फॉर्म का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और ना ही मुझे बेलमोर को हराने के लिए भी गॉड फॉर्म की यूज़ करने की ज़रूरत थी, पर उसके यूनिवर्स के एक मॉडल को हराने के लिए मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा। वाकई में जिरिन, तुम में तो कुछ बात है, पर मुझे इस बात का डर है कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही भारी ना पड़ जाऊँ। मुझे याद है जब तुम लास्ट टाइम सन गोकू के साथ लड़े थे, तब तुम्हारी वजह से सन गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म तक पहुँचा था, पर इस बार वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। ये बैटल अभी और इसी वक्त ख़त्म होती है। जिरिन तैयार हो जाओ, ये बैटल एक ही फ्लैश में ख़त्म हो जाएगा। एंड जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो फ्लैश बोलता है, अल्ट्रा वेजिटो फाइनल फ्लैश का पोस्चर बनाने लग जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो फाइनल फ्लैश करने वाला होता है जिरिन के ऊपर।
जिस तरीके से टूर्नामेंट ऑफ पावर में वेजिटा ने किया था। एंड वेजिटो बोलता है कि तैयार हो जाओ चिरिन, तुमने मुझे पहले ही बोला है कि तुम वीकर फॉर्म का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। तो तुम अगर अपने आप को इतना ही ज़्यादा काबिल मानते हो तो तुम मेरे इस अटैक का सामने से सामना करो और मुझे ये दिखाओ कि ये फॉर्म सच में यूज़लेस है या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो लगातार अपना पावर अप कर रहा होता है। एंड जैसे जैसे अल्ट्रा वेजिटो पावर अप कर रहा होता है, वैसे वैसे अल्ट्रा वेजिटो के चारों तरफ ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क आ रहे होते हैं, जिसके वजह से नॉर्मल ब्लू से भी ये ताकत ज़्यादा होती है। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपने दोनों हाथों को मिलाने वाला होता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि चिरिन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, साथ ही में बहुत टफ गाय हो, और साथ ही में तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी किया है, एंड इस चीज़ की कीमत तुम्हें काफ़ी जल्दी चुकानी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं कि चिरिन बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। एंड चिरिन इस अटैक से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। एंड चिरिन चाहता है कि वो इस अटैक का सामने से सामना करे। एंड चिरिन बोलता है कि ये एनर्जी तो सन गोकू की तरह नहीं लग रही है, एंड ना ही सन गोकू ने इस तरीके का अटैक कभी मेरे ऊपर किया था, पर मुझे याद आ गया कि वेजिटा का अटैक है, मुझे याद आ गया। तब तक हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो का अटैक तैयार हो जाता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि जब तक तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी तरफ क्या आ रहा है, तब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। हिम्मत है तो इस अटैक का सामना करो एंड वहीं पर खड़े रहो जहाँ पर हो। एंड तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना अटैक रिलीज कर देता है। अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि फाइनल फ्लैश, एंड प्रिंस वेजिटा का सबसे पावरफुल अटैक शूट कर देता है चिरिन के ऊपर। इसके बाद हम इस अटैक के साइज को देखते हैं। हम देखते हैं कि यह अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड इस अटैक के चारों ओर ब्लैक इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं, और जिस तरीके का नाम है इस अटैक का फ्लैश, ये काफ़ी कम टाइम पर चिरिन तक पहुँच जाता है, पर चिरिन फिर भी शांत खड़ा हुआ होता है। एंड जैसे ये फ्लैश और भी ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, वैसे ही हम देखते हैं कि इस फ्लैश के अंदर इतनी ज़्यादा लाइट होती है कि चिरिन को भी ठीक से कुछ नहीं दिख रहा होता। एंड फाइनली चिरिन इस अटैक से बचने के लिए अपना मूव दिखाने वाला होता है। एंड चिरिन बोलता है कि जिस तरीके की उम्मीद की थी वेजिटा ने, बिल्कुल उसी तरीके का अटैक है। उसके अटैक का रिस्पेक्ट करने के लिए मैं इस अटैक का सामना सामने से करूँगा और किसी तरीके का ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी हम देखते हैं कि चिरिन अपनी आँखें बंद कर लेता है। एंड जैसे ही चिरिन अपनी आंखें खोलता है, हम देखते हैं कि चिरिन अपना अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म का यूज़ कर रहा होता है। एंड चिरिन के चारों तरफ MUI ऑरा होता है। एंड चिरिन अपने फिस्ट को टाइटली होल्ड करता है। चिरिन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अभी इस बेकार से अटैक को ख़त्म करते हैं। एंड चिरिन अपने फिस्ट का इस्तेमाल करके अल्ट्रा वेजिटो के फाइनल फ्लैश को चीरता हुआ जा रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो की तरफ। एंड चिरिन अल्ट्रा वेजिटो के फाइनल फ्लैश को मक्खन की तरह काट देता है, जिसे देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? चिरिन ने आखिर कब अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया? बिना अल्ट्रा इंस्टेंट के ही वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। जब तक वेजिटो अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाता, उतने में हम देखते हैं कि चिरिन वेजिटो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। एंड चिरिन एक ज़बरदस्त पंच मार देता है अल्ट्रा वेजिटो को, पर इस बार रिजल्ट कुछ और निकलता है। हम देखते हैं कि ये पंच अल्ट्रा वेजिटो को नहीं लगता, जिसे देखकर चिरिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। एंड हम वेजिटो को देखते हैं। एंड वेजिटो बोलता है कि इस बार नहीं चिरिन। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि अल्ट्रा वेजिटो ने भी अल्ट्रा इंस्टेंट को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी मदद से उसने चिरिन के अटैक को डॉज कर दिया होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मुझे लगता था सन गोकू ये एक ओनली मॉडल है जिसने मास्टर कर लिया अल्ट्रा इंस्टेंट को, पर मुझे नहीं लगता कि तुम हाथ पर हाथ रखे बैठे रह सकते हो कभी भी, पर मुझे अभी भी लगता है कि मेरे अल्ट्रा इंस्टेंट से तुम थोड़े लेवल पीछे हो, एंड तुम अभी भी उसका फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पाते हो। एंड चिरिन बोलता है कि क्या फुल पोटेंशियल, आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सन गोकू? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से चिरिन की तरफ आ रहा होता है। एंड वेजिटो अभी एक पंच मारने वाला होता है चिरिन को। एंड इस बार पहली बार ही अल्ट्रा वेजिटो कामयाब हो जाता है चिरिन को एक पंच मारने में। एंड जैसे ही अल्ट्रा वेजिटो का ये पंच चिरिन के चेहरे पर लगता है, वैसे ही चिरिन का चीक बैंड हो जाता है। एंड चिरिन के मुंह से भी खून निकल रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि चिरिन अपना मुंह से निकला हुआ ब्लड साफ करता है। एंड चिरिन के चेहरे पर एक स्माइल होती है। चिरिन बोलता है कि काफ़ी समय हो गया है जब से मैंने पेन को फील नहीं किया है, और फाइनली मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारे अंदर सन गोकू प्रेजेंट है। तभी अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मुझे पता नहीं तुम्हें मुझे कितने बार समझाना होगा कि मैं कैकारोट नहीं हूँ, मैं हूँ अल्ट्रा वेजिटो। वैसे एक बात बताओ चिरिन, तुमने काफ़ी अच्छा वार्म अप करवा दिया मेरा बेलमोर के आने से पहले, पर बेलमोर को मारना ही मेरा मेन एम है और इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, और तुम मुझे रोक नहीं सकते ऐसा करने से चिरिन।
क्या तुम्हें समझ में आया जिरिन? एंड जिरिन बोलता है कि इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने आए हो ना तुम, तो तुम मुझे ये करके दिखाओ, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा कर सको मेरे सामने। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एंड जिरिन एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से जा रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जिरिन एक अटैक कर देता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर, पर अल्ट्रा वेजिटो ये अटैक को डॉच कर देता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम इतने भी तेज़ नहीं हो जितना कि मुझे पहले लगा था, पर अल्ट्रा वेजिटो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये काफ़ी नज़दीकी मामला था, इसकी स्पीड तो वाकई में कुछ है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि जिरिन गुस्से में आकर लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर। एंड जिरिन अल्ट्रा वेजिटो को बैकफुट पे धकल रहा होता है। एंड चेहरे को देखकर आप पता लगा सकते हो अल्ट्रा वेजिटो के कि अल्ट्रा वेजिटो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है इस पॉइंट पे। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एकदम से टेलीपोर्ट करके पीछे आ जाता है जिरिन के। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। इस चीज़ को जिरिन भी नोटिस कर लेता है, पर इतने में हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है जिरिन को। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम इतने जल्दी सोने चले गए, अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो पहले ही बता देते, मैं तुम्हें सुला देता। हम देखते हैं कि ये सुनकर जिरिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो के ऊपर। एंड तभी हम देखते हैं कि जिरिन एकदम से अल्ट्रा वेजिटो के पीछे आ जाता है। एंड जिरिन बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। एंड ये देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड वेजिटो बोलता है कि क्या? एंड जिरिन एकदम से आके अल्ट्रा वेजिटो के गले को जकड़ लेता है। एंड अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि मुझे जाने दो जिरिन। एंड जिरिन अल्ट्रा वेजिटो को ज़मीन पे घसीटने लग जाता है। एंड जिरिन काफ़ी तेज़ी से घसीटते हुए लेकर जा रहा होता है अल्ट्रा वेजिटो को, पर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो को जिरिन छोड़ देता है। पर अल्ट्रा वेजिटो की हालत इतने में ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड अल्ट्रा वेजिटो के मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड वेजिटो बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों जाने दिया जिरिन। एंड तभी हम देखते हैं कि जिरिन एकदम से पीछे हो जाता है, जिसे देखकर अल्ट्रा वेजिटो हैरान रह जाता है। एंड जिरिन बोलता है कि जिस तरीके से टूर्नामेंट ऑफ पावर में सन गोकू ने मुझे मौका दिया था, उसी तरीके से मैंने भी तुम्हें एक मौका दिया है। एंड इसके बाद अल्ट्रा वेजिटो बोलता है कि तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो, मुझे तुम जैसे किसी से दया की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, अल्ट्रा इंस्टेंट के मामले में तुम थोड़े लेवल पीछे हो मेरे से। ज़रा रुको, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त उस चीज़ को प्रूव करके दिखाता हूँ, पर उससे पहले कुछ पुरानी टेक्निक्स को याद किया जाए। एक ऐसी टेक्निक जिसको देखते ही तुम्हें सन गोकू के बारे में याद आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो खामेहामेहा शूट करने वाला होता है जिरिन के ऊपर। एंड अल्ट्रा वेजिटो शूट कर देता है खामेहामेहा। एंड हम देखते हैं कि अल्ट्रा वेजिटो अपना खामेहामेहा शूट कर देता है जिरिन के ऊपर।